हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक रेमेडी, जो कि मैंने इस रेमेडी देसी चीज़ें ली है ये सारी, एंड उससे जो है मैंने एक सीरम तैयार किया है। एंड ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है, इसे आप इजीली ड्राइनेस वगैरह जिस तरह हाथों पे हो जाती है सर्दियों में, उसके लिए ये बेस्ट सीरम रहने वाला है। तो मैंने इसके लिए कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, बहुत ही ईजी मैंने ये इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं जो कि हर घर में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। तो जल्दी से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। सो हमने जो है सबसे पहले हमें चाहिए होगा लेमन एंड ग्लिसरीन और रोज़ वाटर। इन तीन चीज़ों से जो है हम सीरम बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है। सो ये है मेरे पास ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है इजीली हर जगह से मिल जाती है, इसमें बॉटल में एक कंपनियों की भी मिल जाती है, एंड उसके अलावा जो है हम हकीम वगैरह पिंसार की शॉप से भी इसको ले सकते हैं। तो ये जो मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून। तो अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, मीन्स आप इसको बना सकते हैं, और ये जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप इसको 2 से 3 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये ले लिया, ये बेस्ट थिंग है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, एंड वैसे भी विंटर्स में जो है ड्राई स्किन ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रहने वाला है। चीज़ों का जो क्वांटिटी है हम इस टाइप की लेंगे, मतलब कि अगर हमने ग्लिसरीन 2 टीस्पून लिया है तो हम ये जो है 4 टीस्पून लेंगे, तो हम इसका जो है डबल कर देंगे। इसी तरह जो रोज़ वाटर है वो भी हमने इसी तरह ही लेना है, 4 टीस्पून लेंगे। तो मैं जो है ये वाला ले रही हूँ लेमन जूस। आप जो है एक फ्रेश लेमन जूस भी ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब जो है इसके मैं 4 टेबल स्पून लूँगी लेमन के। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसी तरह जो है हम रोज़ वाटर लेंगे। तो मेरे पास ये ड्रॉपर में है इसलिए मैं यही वाला यूज़ कर सकती हूँ। बाकी जो है मार्केट में आजकल बहुत किस्म के आए हुए हैं रोज़ वाटर, आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं। ये भी हमने जो है 4 टीस्पून ले लिया है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो इसमें जो है आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इसमें आप वेजलिन भी, पेट्रोलियम जेली भी ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग चाहें तो इसमें विटामिन ई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, मेरे जैसी जिस तरह मेरी है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, तो मुझे जो है ये भी सर्दियों में सूट करता है। मैं इसको हैंड एंड फीट पर डेली जो है रात को लगा लेती हूँ। ओके, अब जो है हमने इसको अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लिया, ये जो हमारा सीरम है ये रेडी हो गया है। उसके बाद जो है मैं इस टाइप के एक बोतल में डाल रही हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई भी आपको फैंसी काम करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी बोतल में जो है इसको डाल के रख सकते हैं। ये जो है मेरा खाली लेंस सॉल्यूशन की बोतल है, तो इसमें जो है मैं इसको डाल के रख लूँगी। एक तो इसका यहाँ पे ऊपर ड्रॉपर टाइप आता है तो ईजीली रह जाता है, हम कोई भी इसमें से प्रोडक्ट आउट करना चाहें तो। मैंने जो है इसमें अपना पूरा सोल्यूशन डाल लिया है, एंड इसको इस तरह से मैं यूँ बंद कर दूंगी। अब जो है मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अगर आप इसमें वेजलिन पेट्रोलियम जेली डाल देंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप दिन में जब भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जब आप वजू करते हैं या हाथ धोते हैं उसके बाद किसी भी टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके हैंड जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड आपका जिस तरह सर्दियों में मोस्टली गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हाथ डल हो जाते हैं एंड ऊपर एक छिलका सा बन जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड आपके हाथ नरम और मुलायम रह जाएंगे। तो ये देखें, ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया मेरी स्किन के अंदर, ये इतना जो है ग्रीसी भी नहीं है। अगर आप जब इसमें पेट्रोलियम जेली या विटामिन ई ऑयल डालेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा, तो आप वो बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई स्किन है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया, मुझे ऐसे ही सूट करता है। अब ये जो मेरा है ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक ही चलेगा, एंड उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, फिर मैं दूसरा और बना लूँगी। अगर आप इसको चाहते हैं तो 2-3 महीने का इकट्ठा बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो सीरम है ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।